हम दो हैं, एक बाइक पे हम तीन जा रहे हैं। I don't know कैसे अलाउड है, बट हम जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अंडर वाटर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाउ मच एक्साइटेड यू आर? टू एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 3 और हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। भूख इतनी तेज लगी थी कि बिना स्लीपर के ही भाग आए हैं यार। टाइमिंग खत्म होने वाला है तो फटाफट चलते हैं और खाते हैं। बहुत भूख लग रही है और इतना टेस्टी फूड है ना यहाँ का। मैं नहीं मानता। जल्दी से यहाँ पे कूपन देती हूँ और इसके बाद सीधे देखूंगी कि सबसे पहले मुझे क्या खाना है। यार अपना देश हो या विदेश, चाय तो मुझे हर जगह चाहिए। तो ये लगा हुआ है चाय का स्टॉल और यहाँ पर चाय भी है, कॉफी है। तो देखते हैं फटाफट मैं चाय कौन सी वाली बनाती हूँ। पहले मैं ये समझ लूँ कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। ये चार तरह की चाय है, आई थिंक ये दो चाय है और ये दो तरह की कॉफी है। यार आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको बाहर की चाय पसंद है क्या? क्योंकि बाहर की चाय में ना सिर्फ यार एक मिल्क पाउडर टाइप का, और वो चाय बहुत फीकी होती है यार। जब तक चाय खोली ना हो तब तक क्या मजा। टीवी निकाल दो। और मैंने चूज किया है ये वाला टेबल। तो अभिषेक बना रहे हैं मेरी टी। इसमें क्या है? सब में अलग अलग तरीके की टी है शायद। स्मेल करो। और ये क्या है? कंडेंस मिल्क। लो थोड़ा सा ये डालो। आई थिंक यू कुछ और है। ये भी वाटर है। कॉफी है उसमें आई थिंक। चेक करने के चक्कर में मेरी चाय कम कॉफी ज्यादा हो गई, चाय मिक्स कॉफी हो गई, पर जैसी भी थी मैंने पिया। और अभी मैं अपने ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। वैसे जनरली थाईलैंड में आपको जो ब्रेकफास्ट है ना वो लाइक वेज ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलने वाला है, नॉन वेज ही होगा पूरा। इसके अलावा सिर्फ ब्रेड्स होंगे, टोस्ट होंगे, जैम्स हैं यहाँ पे जो कि बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और यहाँ पर ये मीठे वाले पाव भी हैं जो कि बहुत टेस्टी हैं। मैंने ट्राई किया था, बहुत टेस्टी लगा था मुझे। अभी वहाँ से ऑमलेट बनवाना है तो वो ऑमलेट बना रखा है एक्चुअली, एक ले लो। चलो करने के बाद चलो मैं आप थोड़ा सा यहाँ के रिजॉर्ट का व्यू देती हूँ आपको। ये पूल एरिया है, जस्ट आप ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलेंगे। यहाँ पर स्टॉल बना हुआ है जहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे बैठकर अपने ड्रिंक्स लो, मज़े करो, खाओ पियो, चिल करो। रात में काफ़ी ही अच्छी वाइब थी, बहुत सारे फॉरेनर्स इंडियंस सब आके यहाँ पे चिल कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। पर हमें क्या, हमें तो पटाया घूमना है और देखना है यहाँ पर क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें। फिलहाल हम लोग तो निकलते हैं, लेट्स गो। नहा धोकर एकदम रेडी हो चुके हैं और फटाफट कैब करते हैं, निकलते हैं। एक्चुअली कैब हमने बुक कर दी है तो जस्ट वेटिंग। कैब आ चुकी है, फटाफट कैब में बैठते हैं और निकलते हैं। आज और कल का ही दिन है हमारे पास और मुझे आज रात में ना पटाया की नाइट लाइफ भी देखनी है। सुना है कि पटाया की नाइट लाइफ बहुत मस्त है, तो लेट्स गो। कहीं मत जाना, बने रहना, बहुत एक्साइटिंग चीजें दिखाने वाले हैं। दो हैं।
एक बाइक पे हम तीन जा रहे हैं। आई डोंट नो कैसे अलाउड है बट हम जा रहे हैं। ये कैसी गलियों में से निकल रहे हैं। किसको डर लगता है। और ये अब हम पहुंचे हैं दूसरे तरह तड़े देते फिलहाल मैं अपने रिसॉर्ट वापस जा रही हूँ और फिर शाम का प्लान देखते हैं क्या है। लेट्स गो। ओ मिस्टर थाई, इतना सारा थाई फूड खाने वाले हो? यस। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है सी फूड करी एंड राइस। इसके बाद हम निकलते हैं इवनिंग वॉक पर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। यार यहाँ की स्ट्रीट्स ना एकदम लंदन और न्यूयॉर्क जैसी स्ट्रीट्स लग रही है। फील इतना प्यारा आ रहा है ना वॉक करने में। अभी चलते जाते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचाता है ये रास्ता हमने। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सारे फ्लेवर कोकोनट में। Oh, nice. Delicious. Sorry?
चॉकलेट क्या बॉम्ब आइसक्रीम है, मैं इतना कैसे खाऊंगी। तो हम पहुंचने वाले हैं एक बीच पे, क्योंकि इस बीच को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, जो नियर बाय लोग हैं सिर्फ वही जानते हैं। तो यहाँ ज्यादा क्राउड नहीं मिलने वाला हमें, और हम मस्त एंजॉय करने वाले हैं, और मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं मस्त एक आइसक्रीम। तो यहाँ चल रही है मस्ती बहुत, क्योंकि ये बीच लग रहा है अपने बाप का बीच है। और ये देखो मुझे कितना पोपट बनाया, मेरी इतनी तारीफ करी और मैं उल्लू बन गई। और मैंने इनसे बहुत सारी शॉपिंग कर ली, और ये ऐसे कपड़े निकले जो घर पे आकर मेरे को साइज में ही नहीं आए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप थाईलैंड में अगर कहीं घूमना चाहते हैं तो मुझे वो जगह के नाम भी बताना, और कहीं मत जाना, पटाया व्लॉग अभी भी बाकी है। नाइट लाइफ नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ।